राधा कृष्ण के बारे में 10 सीक्रेट्स आपको पता नहीं होंगे। तो राधा कृष्ण में एक क्यों नहीं है कि वीएफएक्स आर्टिस्ट ने हॉलीवुड में मूवी बनाई है। इनका बजट 150 करोड़ है और ये शो बंद क्यों हुआ कौन बताएगा? ऑफ कोर्स मैं भाई, क्योंकि मैं तो देखता हूँ ये शो। सबसे पहले शो का नाम राधा कृष्ण में भाई ए क्यों नहीं आता? बेसिकली राधा कृष्ण में से ए इन्होंने इसलिए हटाया कि जो रियल कृष्ण है उनसे इनको कंपेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये काफी हद तक उनसे इंस्पायर्ड है बट उनका सेम टू सेम कॉपी नहीं है। क्योंकि भाई अगर सेम टू सेम हो जाएगा तो वो स्टोरीज में कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। बेसिकली क्रिएटिव फ्रीडम है जो हर डायरेक्टर यूज करते थे। आदि पुरुष में राम जी का नाम राघव करा गया है। इंडिया का सबसे लंबा मॉडर्न माइथोलॉजिकल सीरीज है, मतलब भाई इसके टोटल 1145 एपिसोड है जो 4 साल चले, और इसके साथ साथ भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीवी शो है। इसका बजट 150 करोड़ है। बड़ी शो में काफी होते भाई वीएफएक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में चीजें करी गई, जिस वजह से भाई काफी ज्यादा बजट बना। इनके डायरेक्टर का बोलना है जितना स्टोरी इंपॉर्टेंट है उतनी इक्वली वीएफएक्स भी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए भाई इनकी क्रू टीम 500 से भी ज्यादा है। इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ तिवारी जिनकी स्वास्तिक प्रोडक्शन है, जिसके अंदर काफी बड़े बड़े शोज आते हैं, महाभारत, रजिया सुल्तान, बालकृष्ण, ओरस, चंद्रगुप्त मौर्य, जय कनेलाल, राम सिया के लव कुश। इनके प्रोडक्शन जो भी शो बनाया है उसको काफी हद तक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया है। कि राधा कृष्ण में भाई काफी हद तक अलग स्टोरी बताई, सिर्फ राधा कृष्ण जी की, बाकी और चीजों की नहीं बताई गई। भाई ये शो पे इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी है कि उनको स्विट्जरलैंड से फूल मंगाने पड़े, पर ऐसे नहीं कि भाई ये रियल फूल है, ये फेक फूल मंगाए थे इन्होंने। जैसे कृष्णवाणी वाला सेगमेंट सबको पसंद है, काफी चीजें सीखने को मिलती है। और इसकी शूटिंग भी मुंबई गुजरात के बॉर्डर में होती है। और भाई इनके शो के जो सेट डायरेक्टर है टीना जी, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी मूवीज में और बड़े बड़े शो में भी काम करे, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाभी जी घर पर है, अर्जुन द वंडर का, जो मेरी फेवरेट मूवी है। इसके अंदर जो वीएफएक्स आर्टिस्ट है भाई वो भी काफी बड़े और आइकॉनिक आर्टिस्ट है। उन्होंने काफी बड़ी बड़ी सिर्फ इंडियन मूवीज नहीं बाहर की मूवीज में भी काम किया है। ये विशाल मेवाड़ी जिन्होंने नाइट्स ऑफ द जोडियाक में इन्होंने वीएफएक्स करा है। तो भाई ये जो मेहनत है, जो एक्सपीरियंस है ना, इस सीरियल में डेफिनेटली दिख के आता है। भाई ये शो 1 अक्टूबर 2018 में स्टार्ट हुआ था और ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी आप इसको जाके देख सकते हो। भाई ये शो के पॉपुलर होने के बहुत ज्यादा रीजन है, पर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इसका म्यूजिक। भाई इसके अंदर जो म्यूजिक है काफी हद तक अलग है, और आई थिंक ये ऐसा शो है जिसके अंदर 33 सॉन्ग से, मतलब काफी शो जो ना पुराने गाने या कोई एक टाइटल सॉन्ग लगा लेते हैं, उसके साथ साथ जो इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक आती है वो पूरी भाई इन्होंने खुद से निकाली है। जो कृष्ण जी हर बार फ्लूट बजाते हैं वो खुद तो नहीं बजाते, बट वो बैकग्राउंड में उसी टाइम बजाई जाती है, ऐसे नहीं कि अलग से एडिटिंग में ऐड कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना डिटेलिंग, ऑल्दो से फर्क नहीं पड़ता, बट ये बहुत ही रियलिज्म डालती है एक शो में। उसके साथ शो फेमस होने का जो कैरेक्टर्स है ना वो काफी हद तक बहुत ही रियल लगते हैं। जो कृष्ण जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्हें जो उनके चेहरे से एक पॉजिटिविटी आती है और एक स्माइल जो है ना वो दिलाती है कि हाँ ये कुछ सिखाने वाले, काफी लोगों के चेहरे पे होता भी है। बट इनके जो कृष्ण जी बने सुमेर जी, भाई इनके पापा का नाम रियल में वसुदेव है और कृष्ण जी का भी रियल में पापा का नाम वासुदेव था, और उसके ऊपर इनका जो नाम है सुमेर ये नाम है कृष्ण जी का ही नाम है। बट फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ने जब इनको हायर किया था तो इनको लगा था इनको नेगेटिव रोल में डालना है, बट फिर बाद में इनका चेहरा और इनका एक्टिंग देख के इनको मेन रोल कृष्ण जी का दिया गया। और इस शो के लिए पिछले 2 साल से फ्लूट बजाना सीखना स्टार्ट भी कर दिया था। ये शो आया 2018 में था, बट उसके 2 साल पहले से प्रिपरेशन चालू हो गई थी। जितना अच्छा ट्रेनिंग करता है उतना तो ज्यादा अच्छा जीतता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड रिसर्च मेक्स अ मूवी परफेक्ट। बस मेरे एब्स दुख गए। और इनके अंदर उन्होंने स्वीटेस्ट कैरेक्टर राधा जी ने जिनका रोल करा है मलिका सिंह, इनको भाई एक्टिंग करने का पहले बहुत ही कम एक्सपीरियंस था, और ये डायरेक्टर का ही ऐसा बोलना था कि ये ऐसे एक एक्ट्रेस को हायर करना चाहते थे राधा के लिए जिसने कभी पहले एक्टिंग ही ना करी हो, जिस वजह से उनकी रियल इनोसेंस एंड रियल एक्टिंग एंड रियल एक्शन दिख पाए। इस शो में सैलरीज भी अलग है। सुमेर जी जो कि मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं 30 से 35 हज़ार पर एपिसोड, मलिका सिंह जी को 25 से 30 हज़ार, वसंत जी को 22 से 25 हज़ार, झलक देसाई को 20 हज़ार, तरुण खन्ना को 20 से 25 हज़ार। उसके अलावा जो ये शो लोग सबको सिखाते हैं और प्यार देते हैं उसका तोल पैसों से निकाला जा सकता, जैसे तुम्हारा और मेरा प्यार कभी पैसों से तोला नहीं जा सकता ना, वैसे ही। ये शो चाहे कितना भी ज्यादा फेमस हो बट इनके अंदर कॉन्ट्रोवर्सीज भी काफी ज्यादा हुई है, जैसे कि भाई इनकी काफी स्टोरी अलग है। इसको देख के भाई काफी लोगों ने बोला कि इस शो को बंद कर दो, बॉयकॉट कर दो, बट ऐसे नहीं हो पाएगी। इनके डायरेक्टर ने आके बोला कि हम बस एक इंडियन स्टाइल ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं एक माइथोलॉजिकल सीरीज में, और इसमें उनका कोई भी इंटेंशन किसी को चोट पहुंचाना या फिर किस कथा को चेंज करना नहीं है, वो बस एक स्टाइल में ऐड करें जिससे लोग काफी अच्छे से समझ पाए। सेम आदि पुरुष में भी हो रहा है। आई थिंक इस शो में ऐसे कुछ अलग बताया भी नहीं गया कि हर एक चीज से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से शो में जो भी कैरेक्टर उनको काफी सिंपल रखा गया, जैसे कृष्ण जी के ऊपर भी मुकुट नहीं लगाया उन्होंने, उन्होंने एक पगड़ी पहनी है फूलों की। भाई ये पूरे शो में मेरा वन ऑफ द फेवरेट कृष्णवाणी है जो कि लास्ट में आता है हर एक एपिसोड के, उसमें काफी ऐसी और अच्छी चीजें बताते हैं कृष्ण जी जो बहुत सिखाती है किसी भी इंसान को। अगर आपने ये सीरियल देखा है तो ये पार्ट आप मिस ही नहीं कर सकते। बट इसके अंदर सबको लगता है जो रैबिट है वो फेक तो नहीं है, वो रैबिट रियल में है भाई। और इसके अंदर जो पानी वानी का पूरा सेट बनाया गया है, उनका मेन आइडिया कृष्णवाणी ऐड करने का यही था कि हर एक एपिसोड से वो चाहते थे किसी को कुछ सिखाना और किसी को समझाना। मुझे कृष्णवाणी बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैंने मेरी लाइफ में काफी सारी चीजें सीखी उससे। भाई ये म्यूजिक कितना ज्यादा प्यारा है। भाई ऐसे शो अच्छे लगते हैं कि जिसकी छोटी छोटी चीजों पे, जैसे म्यूजिक, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड, ये सब चीजों पे ऐसा काम कराया जाता है जो आपको मतलब
राधा कृष्ण के शो की हर एक चीज देख लो आप, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। जो इनके म्यूजिक है, जो इनके कलर्स भी ऐसे इन्होंने यूज करे पर्पल, जो आपको दिखने में कोई हार्श फील नहीं करवाते, काम वाली फील करवाते। बट ये इतना ज्यादा अच्छा शो एंड क्यों हुआ? बेसिकली इसका स्टोरी लाइन ही खत्म हो चुका था, इसलिए इसको एंड करना पड़ा। बट ये अभी के टाइम में सबसे बेस्ट माइथोलॉजिकल सीरीज है, क्योंकि इन्होंने काफी सी चीजें करी है। सबसे पहले भाई इसके अंदर जो राधा जी और कृष्ण जी का प्यार दिखाया गया है, ये काफी तो प्योर एंड रियल बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव भी है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है, वो सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही ध्यान से हायर करा गया है और ध्यान से उनको एक्ट एंड परफॉर्म करवाया गया। थर्ड इसका वीएफएक्स, ऑफ कोर्स भाई ऐसा वीएफएक्स किसी शो में हमको देखने के लिए नहीं मिला है। और इनकी ऑडियंस जो भी ना, अभी मॉडर्न वाली ऑडियंस है और इसलिए वो उसी हिसाब से बता रहे हैं भाई। बट सबसे इम्पोर्टेंट इस शो से सीख क्या सकते हैं, कृष्णवाणी एक ऐसी चीज हुआ करती थी भाई। अगर पूरा शो एक स्टोरी में चल रहा है जिसका एंड काफी हद तक नेगेटिव है, एंड में एक कृष्णवाणी लेके उसको एक पॉजिटिव वे में एंड करा जाता है कि इस पार्ट में से एक अच्छा चीज था जिसको अब एक अच्छे मैसेज की तरह कन्वर्ट करा जाता था, और हर बुरे बंदे के अंदर भी एक अच्छी चीज होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई स्माइल करो। इस पूरे शो में आपने देखा होगा भाई, कृष्णवाणी में जो सुमेश जी है वो हर बार स्माइल करते रहते हैं। स्माइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप भी स्माइल करते रहना। वैसे आप बताओ आपका कौन सा फेवरेट शो है, हमको नेक्स्ट शो में जो ये काफी ज्यादा अमेजिंग होगी।